आज हम बात करने वाले हैं प्रति प्रविष्टि या विपरीत प्रविष्टि की। बच्चों में अक्सर देखा जाता है जहाँ पे प्रति प्रविष्टि आती है वहाँ पर बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उनसे ये प्रश्न नहीं बन पाते। तो हमने सोचा कि आपको हम समझा देते हैं प्रति प्रविष्टि या विपरीत प्रविष्टि जो है वो क्या होती है। प्रति प्रविष्टि या विपरीत प्रविष्टि अर्थात दोनों पक्षों में जो प्रविष्टि की जाएगी वो प्रति प्रविष्टि या विपरीत प्रविष्टि कहलाती है। अब किन व्यवहारों में प्रति प्रविष्टि की जाती है इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण एक विचारधारा कहें या फिर प्रविष्टि के द्वारा हम समझें जिन व्यवहारों में दोनों पक्ष में लेखांकन किया जाएगा अर्थात प्राप्ति पक्ष में और भुगतान पक्ष में दोनों पक्ष में लेखांकन किया जाएगा उसे हम विपरीत प्रविष्टि प्रति प्रविष्टि या उभय प्रविष्टि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि किन व्यवहारों की प्रति प्रविष्टि या विपरीत प्रविष्टि होगी। तो जैसे पहले लीजिए बैंक में धन जमा करने पर प्रति प्रविष्टि हो जाएगी, क्यों होगी वो प्रविष्टि करके हम बताएंगे। दूसरा देखते हैं हम व्यापार में प्राप्त जो चेक है बैंक ड्राफ्ट है ये हमको प्राप्त हुए थे, हमने हमारी तिजोरी में रख लिए थे उन्हें और कुछ दिन बाद हमें याद आई क्योंकि हर एक का 3 माह का समय होता है तो हमने सोचा कि कुछ दिन बाद जमा कर देंगे। तो कुछ दिन बाद बैंक में हमने जमा किए और जमा किए तो यह हमारी प्रति प्रविष्टि के दायरे में आ जाएगा। वैसे ही बैंक से कार्यालय के लिए हमने धन या राशि निकाल लिए तो भी यहाँ प्रति प्रविष्टि होगी। अब क्यों होगी, यहाँ पर पंजी प्रविष्टि के माध्यम से हम समझते हैं। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, यदि आपने बीच में छोड़कर चले गए तो आपको समझ नहीं आएगा। और जो रोकड़ वही में त्रिस्तंभी या द्विस्तंभी रोकड़ वही जिनमें बैंक और रोकड़ के कालम होते हैं उनमें यदि ये प्रविष्टियाँ आ जाती है तो आपसे बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो समझते हैं हम, सबसे पहला हमारा यहाँ देखते बैंक में धन जमा करने पर इसमें क्यों प्रति प्रविष्टि होती है। जब हम बैंक में धन जमा करते हैं तो पाने वाला यहाँ पे दो बातें हो जाएगी, एक तो डेबिट हो जाएगा और एक क्रेडिट हो जाएगा यानी बैंक है और दूसरा धन जमा करना अर्थात रोकड़ की बात है, दोनों बात आई। अब यहाँ पे देखेंगे खातों की प्रकृति, तो यहाँ खातों की प्रकृति बैंक है व्यक्तिगत खाता और धन है यह वास्तविक खाता हो जाएगा और यह व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। बिल्कुल आप इतना समझ गए होंगे क्योंकि अभी तक हमने जो समझा है उनके अनुसार पंजी प्रविष्टि करने का जो नियम है उन नियमों के आधार पर ही हम पंजी प्रविष्टि करेंगे। तो सीधे तौर पर यदि बैंक में धन जमा किया है तो यहाँ पर पंजी प्रविष्टि हो जाएगी, बैंक हो जाएगा पाने वाला अर्थात हम कहेंगे बैंक खाता डेबिट यहाँ पे करेंगे। और देखिए यहाँ पे धन हमारे पास से जाएगा, कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, भले हमारा ही खाता लेकिन तिजोरी से जा रहा है और वास्तविक खाता है और वास्तविक खाते का नियम कहता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट कीजिए और जाए उसे क्रेडिट कीजिए। तो हम लिखेंगे रोकड़ खाते से। और यहाँ पर आप बिल्कुल देखिए कि यहाँ पे नरेशन जो है संक्षेपण जो है वो लिखेंगे कि बैंक में धन जमा किया। अब यहाँ पे हमने ये संक्षिप्त संक्षेपण भी लिख दिया। अब यहाँ पे हम लेखा करने की बात आती है तो यहाँ पर देखिए प्राप्तियाँ प्राप्त क्या हुआ आपको, दोनों तरफ बैंक का भी कालम है और रोकड़ का भी कालम है। तो इस कंडीशन में क्रेडिट पक्ष की ओर हम क्या करेंगे, पहले तो हम डेबिट पक्ष की ओर देखते हैं। तो डेबिट में क्या है, बैंक है यानी राशि कहाँ जाएगी, बैंक कालम में जाएगी। और यहाँ पर जब लिखते हैं तो प्राप्ति कहाँ से हो रही है अर्थात हम ये देखेंगे कि हमें पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, यानी हम यहाँ लिख देंगे रोकड़ खाते से। विपरीत पक्ष में लिख देंगे और यहाँ पर लेजर फोलियो में सी का कॉलम बना देंगे। पहली प्रविष्टि की ये बात और विपरीत प्रविष्टि भी की जाती है अर्थात अब भुगतान पक्ष की ओर देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोकड़ के कॉलम में हम राशि बना देंगे जो भी राशि है। और देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेबिट लिख देंगे यानी बैंक खाते को जो विवरण पक्ष है, विवरण के कॉलम में हम बैंक खाते को लिख देंगे। और यहाँ पर भी
सी बना देंगे और हिंदी में वी बना देंगे। अर्थात यदि बच्चों को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल पंजी प्रविष्टि देखिए विपरीत पक्षों में लेखांकन किया जाता है, उसी आधार पे हम यहाँ पे भी लेखा कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। वैसे ही देखिए यहाँ पर जो व्यापार में प्राप्त चेक है या बैंक ड्राफ्ट है वो हमको प्राप्त हुआ है तो हमने तिजोरी में उसे रख लिया है, रोकड़ समझ के हमने रखा है, और रोकड़ समझ कर रखा है तो यहाँ पर ये हमारे लिए धन हो गया। और जब हम किसी अन्य दिन इसे बैंक में जमा कर रहा है तो कुल मिलाकर बात ये हो जाएगी कि रोकड़ हमने बैंक में जमा किया। जस्ट लाइक यही पंजी प्रविष्टि जैसे बैंक में जमा करने पर बनी है, वैसे ही पंजी प्रविष्टि यहाँ पर भी बनाई जाएगी कि बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाते से, बिल्कुल। और फिर यहाँ पर पंजी प्रविष्टि बन जाएगी, यानी बैंक प्राप्त चेक या बैंक ड्राफ्ट कुछ दिन बाद यदि बैंक में हम जमा करते हैं तो बिल्कुल पंजी प्रविष्टि बनेगी रोकड़ खाते से, और कंट्रा एंट्री लिखेंगे और बैंक के कॉलम में राशि जाएगी। और यहाँ पे देखिए लिखेंगे बैंक खाते को, क्योंकि पंजी प्रविष्टि वही है सेम, और सी लिखेंगे और राशि बनेगी। अब आते हैं हम तीसरे, बैंक से कार्यालय के लिए निकालना। यदि हम बैंक से कार्यालय के लिए निकालते हैं अर्थात हमारे व्यवसाय के लिए रुपए निकालते हैं, रुपए निकालेंगे तो आप देखिए बात यहाँ पे बदल जाती, व्यापार में रोकड़ आएगी, हमारी तिजोरी में पैसा आएगा, इसलिए हम पंजी प्रविष्टि बनाएंगे। जो वस्तु व्यापार में आएगी उसे डेबिट कीजिए, यानी रोकड़ खाता यहां पर डेबिट किया जाएगा। और बिल्कुल कहां से पैसा आ रहा है, बैंक से, और बैंक व्यक्तिगत खाता, और व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट कीजिए, अर्थात बैंक खाते से यहां पर ऐसी पंजी प्रविष्टि बन जाएगी। और लिखेंगे बैंक से नकद निकाला, लेकिन यहाँ व्यापार के लिए निकालने की बात हो रही है, दूसरी बात नहीं हो रही है। और जब यहाँ पे यदि निकाला है बैंक से कार्यालय के लिए निकाला है तो यहाँ पे प्रविष्टि जो है वह देखिए रोकड़ खाता डेबिट हुआ है, अर्थात यहाँ पे रोकड़ खाते में राशि आ जाएगी। और यहाँ पे विपरीत पक्ष जो है वो बैंक खाते से राशि आ रही है, और यहाँ पे देखिए रोकड़ खाते को लिख देंगे और राशि बैंक में चली जाएगी, सी लिख देंगे। इस प्रकार इन व्यवहारों की पंजी प्रविष्टि विपरीत होती है, अर्थात सीधी बात हम कहें तो ऐसे व्यवहार जिनके दोनों पक्ष में डेबिट और क्रेडिट पक्ष में यदि रोकड़ और बैंक दोनों आते हैं तो वहां पर विपरीत प्रविष्टि उभय प्रविष्टि की जाएगी, काउंटर एंट्री बिल्कुल की जाएगी। और यहाँ से समझ लीजिए, यदि ऐसा आपको याद नहीं रह पाता तो और दूसरा तरीका यह है कि रोकड़ वही के प्राप्ति पक्ष की ओर रोकड़ खाते से विवरण पक्ष में रोकड़ खाते से लिखकर बैंक स्तंभ में राशि लिख दी जाती है, और भुगतान पक्ष की ओर विवरण स्तंभ में बैंक खाते को लिखकर रोकड़ स्तंभ में राशि लिख दी जाती है, कब, बैंक में धन जमा करने पर। दूसरा, बैंक में प्राप्त चेक, व्यापार में प्राप्त चेक अन्य किसी दिन बैंक में जमा करने पर रोकड़ वही के प्राप्ति पक्ष की ओर विवरण स्तंभ में रोकड़ लिखकर बैंक स्तंभ में राशि लिख दी जाती है, और भुगतान पक्ष की ओर विवरण स्तंभ में बैंक लिखकर रोकड़ स्तंभ में राशि लिख दी जाती है। इसी प्रकार बैंक से कार्यालय के लिए निकालने पर क्या होता है, रोकड़ वही के प्राप्ति पक्ष की ओर विवरण स्तंभ में बैंक लिखकर रोकड़ स्तंभ में राशि लिख दी जाती है, और भुगतान पक्ष की ओर विवरण स्तंभ में रोकड़ लिखकर बैंक स्तंभ में राशि लिख दी जाती है। ऐसा भी करके हम याद रख सकते हैं, अर्थात बैंक से में जमा करने पर चाहे आप नगद जमा करो या प्राप्त चेक किसी अन्य दिन जमा करो, दोनों में प्राप्ति पक्ष की ओर रोकड़ लिखा जाता है और राशि बैंक स्तंभ में लिखी जाती है, भुगतान पक्ष की ओर विवरण में बैंक लिखा जाता है और राशि रोकड़ में लिखी जाती है। यदि हमने कार्यालय के लिए बैंक से निकाला है तो यहाँ पे देखिए प्राप्ति पक्ष की ओर बैंक लिखकर रोकड़ स्तंभ में राशि लिख दी जाती है, और भुगतान पक्ष की ओर रोकड़ लिखकर बैंक स्तंभ में राशि लिख दी जाती है। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, यदि कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।